नमस्कार फ्रेंड्स, एनआईटी जमशेदपुर, वो ऐसा जमशेदपुर जो आने वाले दिनों में पूरी दुनिया को सर्व करने जा रही है। और हमारे नए निदेशक डॉक्टर गौतम सूत्रधर, जो कि अब उसके सूत्रधार हैं, और वो चाहते हैं कि एनआईटी जमशेदपुर, जैसे मैंने एडवर्स सिचुएशन में मणिपुर में काम किया और बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स के ऊपर सफाई से और बहुत बेहतरी से वहाँ पे काम किया, उस इंस्टीट्यूट को, उस संस्थान को उस लेवल में लेकर गए जहाँ पे वो इंडिया के लिए एक प्राइड बना। तो आज गौतम सर के साथ हमारी वार्ता है और एनआईटी को भी उसी तरह से चाहते हैं कि एनआईटी भी जमशेदपुर की जो एनआईटी है पूरी इंडिया में उसकी रैंकिंग अभी जो 90 है वो अंडर 50 आए। तो सबसे पहले तो सर मैं ये बात करना चाहूँगा कि आपको सबसे पहले बहुत बहुत बधाई, क्योंकि वी आर सो प्रिविलेज्ड कि आप हमारे बीच आए और हमारे एनआईटी के निदेशक बने। और हम लोग गौरवान्वित हैं कि आप जैसे जो इंटेलेक्चुअल पर्सन है, जो रत्न ऑफ इंडिया है, वो हम लोगों के साथ मिलकर काम करेंगे। तो सर सबसे पहले कि आप जब 50 की बात करते हैं कि 50 से रैंकिंग हमारी अंडर 50 हो, तो सर उसके लिए कुछ कुछ क्या क्या मेन पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर अभी तुरंत काम करेंगे आप और वो लोगों तक दिखाई देगी उस बात को? देखिए, एक बार फट वन जम में तो 50 ले जाना बहुत ही मुश्किल है, बिकॉज नाउ द कंपटीशन इज सो स्टीप, इतना खड़ा ऊंचा है जी। ये एक स्टेप में जाना पड़ेगा जी। तो आई होप दैट बिफोर आई लीव दिस इंस्टीट्यूट, मतलब अनदर 5 years, दैट मींस बाय 2028 तक। हम तो चाहेंगे सर कि आप दूसरा टर्म भी रहें। वो तो लाख की बात है जी। आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट। मैं जो काम करता है सिंसियरली आई एम डूइंग एंड कमिटेड। मैं ज़्यादा तो ओन ड्रम नहीं बोलता, बट यू कैन, इवन यू विजिट मणिपुर यू कैन अंडरस्टैंड जी सर। तो मैं बहुत निजे का बारे में कम बोलता है, लेकिन यही बोलता है जी, व्हेन इट इज सक्सेस कम्स इट इज माय टीम सक्सेस, जब हमको फेलियर होगा इट इज माय फेलियर। सर बहुत बड़ी बात आपने कही, और यहाँ की टीम सर बहुत अच्छी है, क्योंकि मैं देखता हूँ कि इनोवेशन में हो और लोग हो, एक दूसरे के साथ मिलकर बहुत ही कोप अप करके काम करते हैं, बहुत बेहतर तरीके से काम करते हैं, कोऑर्डिनेशन बहुत बेस्ट है। बस बसरते एक लीडरशिप जो जिस चीज़ की आवश्यकता थी वो आप आए। और सर आप जब यहाँ पर कुछ कुछ बातों की शुरुआत कर रहे हैं, तो सर उसमें क्या इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि आने वाले दिनों में जो स्टूडेंट्स के ऊपर प्रेशर है, एग्जामिनेशन के प्रेशर्स हैं, या आफ्टर कोविड जो हम लोग उस बातों को रिसर्च कर रहे हैं, या हम चाहते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स टॉप लेवल में जाएं इंडिया के, तो सर उसके लिए भी कुछ नई नई योजना आपके माइंड में होगी, क्योंकि बड़ा प्री डिस्कशन है, लेकिन क्या ऐसा कुछ है क्या? हाँ, एक्चुअली आप जो आज बोला है ना, काउंसिलिंग का जरूरत है। हाँ, डेफिनेटली इन वेस्टर्न कंट्रीज दे आर डूइंग दिस काउंसिलिंग, बिकॉज बट इधर में भी जरूरत है, दो 10% इज वेरी लेस, बट स्टिल इट इज देयर। हम ए मतलब आई कैनॉट अवॉइड, मैं इसको ये नहीं कर सकता है जो मैं उसको छोड़ गया, बट काउंसिलिंग टू सम एक्सटेंट जरूरत है, बिकॉज वी ऑल वेयर कन्फाइंड इन होम ऑलमोस्ट 2 years, एंड हम लोग का माइंड में बहुत ही एक असंख्य काम कर रहे थे जी। तो छोटा से बड़ा सब लोग, लेकिन दे आर इन स्टडी, दे आर इन ऑनलाइन मोड, एंड उसमें तुरंत ऑफलाइन भी किया है, तो इसमें डेफिनेटली द इम्पैक्ट उनके ऊपर में पड़ा हुआ है जी। बट हम लोग यही मान्यता दे रहा है कि आपको ऑफलाइन ही करना है, बिकॉज द एम्प्लॉयर्स बेसिकली दे आर नाउ डिमांडिंग नो ऑनलाइन एग्जामिनेशन। ओके, सो इसमें जो सपोर्ट चाहिए स्टूडेंट लोग को, वो मैं देने के लिए प्रस्तुत है। मैं पहले सुनना चाहते वो लोग किस टाइप ऑफ मॉरल सपोर्ट चाहिए, किस टाइप ऑफ काउंसलिंग, आई विल स्टडी, आई विल गेट फ्रॉम द फीडबैक फ्रॉम स्टूडेंट डीन, स्टूडेंट वेलफेयर एंड स्टूडेंट का कुछ जो रिप्रेजेंटेटिव है। इफ आई फील लाइक दैट इट इज वन पार्ट, बट देयर आर मेनी अदर थिंग्स ऑल्सो देयर। फॉर एग्जाम्पल, मैं सुना है ये PhD स्टूडेंट लोग का दे आर गेटिंग ओनली 8 days। सम एकेडमिक एनवायरनमेंट में आपको थोड़ा सा रिलैक्स तो देना चाहिए, रिलैक्स ऑन द सेंस फ्लेक्सिबिलिटी, फ्रीनेस। जो मणिपुर में मैं गवर्नेंस बनाया थे PhD स्टूडेंट के और MTech स्टूडेंट के लिए, दैट इज बेसिकली गाइड फ्रॉम IIT गुवाहाटी।
व्हेन आई ज्वाइन देयर, मैं बहुत बार आईआईटी गुवाहाटी के साथ इंटरेक्ट किया था। उस टाइम में आईआईटी गुवाहाटी का डायरेक्टर मेरा सैरी था, उनको दो साल मिला हूँ, दो साल मिला था। उसमें मैं बहुत बार इंटरेक्ट किया, तो उसमें मैं पीएचडी लड़का लोग को ना एक तो दिया था स्टैंडर्ड, दैट मीन्स 15 डेज 30 डेज दे विल गेट इन लाइक अस गवर्नमेंट एम्प्लॉय। नंबर टू, दोस हु आर वांट टू कोलाबोरेट, मान लो टीचर कोलाबोरेट किया है, बिकॉज माय टेन्योर आई एटलीस्ट कोलाबोरेटेड विथ 10 इंस्टीट्यूट्स। इट इज नॉट दैट द रैंक हैज केम ओनली फ्रॉम उनका रिसोर्स से हुआ है, नहीं, ये रैंक हुआ है बिकॉज आई कोलाबोरेट विथ आईआईटी गुवाहाटी, आईएसटी सीपुर, एनआईटी आपको सिलचर को पहले ही था, एनआईटी अगरतला, मैं एनआईटी पटना से किया है, आईआईटी पटना से किया है, देन सम वेस्ट बंगाल का दो कॉलेज से किया है, तो इसमें कुछ तो आपको अक्सर मिला है, कुछ तो बेनिफिट तो मिला है। जी सर। तो बिकॉज देखो एप इवन जो साइटेशंस होता है ना, अब जितना इंस्टीट्यूट को पहचानेगा, जितना वो लोग का सेम एरिया का टीचर को अब देखेगा, बात करेगा, तो वो भी आपका जब नेक्स्ट टाइम काम करेगा वो आपका नाम रखेगा। जी सर। इट्स अ म्यूचुअल बेनिफिट। यस सर। आप जब रखता है उसको बेनिफिट होता है और वो जो रखता है आपको बेनिफिट होता है। इसके लिए ना इवन आई एम प्लानिंग टू मूव अराउंड ऑल द इंस्टीट्यूट्स नियर बाई। यस। इवन बहुत बढ़िया सर। इवन आई went to visit NIT Raurkela, when I got offer and ministry bola aap jao join karo, main bola do din humko time do, because already main NIT Raurkela mein jo professor hai wo bhi second time kar raha hai, humko pehle se jankari hai, he's from IIT Kharagpur, to main unko bola abhi aapko padosi hone wala hai to main aapko paas ja raha hai, bola kam to main udhar mein 5th and 6th अब मैं दो दिन था, वो लोग से बहुत बात किया है NEP 2020 में कैसे कर सकता है, कितने कैसे इनोवेशन कर सकता है। वो लोग को भी एक सेंटर चल रहा है 2012 से, जो सरंगी सर का टाइम में शुरू किया है, इफेक्टिवली स्टार्टेड इन 2016। इसमें टाइम लगेगा, हो सकता है मेरा करते करते आधा काम किया है, इट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। सर आपका बड़ा कीन इंटरेस्ट है इस विषय में, और आप क्योंकि आप एकदम परफेक्ट पर्सन हैं, क्योंकि कई एक जगहों पे आपने, कोई ऐसा जगह नहीं जहां पे आपने वहां से कुछ न, या जो जो नवाचार की चीजें हैं उसके ऊपर सर जैसे शुरुआत किया गया है सर, उसी में और इन्हांसमेंट हो और हमारे स्टूडेंट्स को लाभ मिले। सर ओवरऑल स्टूडेंट्स को सर क्या कहना चाहेंगे? Exactly. क्योंकि मैं एक क्रमबद्ध इंटरव्यू चलता रहेगा, लेकिन आज के डेट में आखिरी सवाल कि सर पूरे स्टूडेंट्स को क्या कहना चाहेंगे जिससे कि उनको मोटिवेशन मिले और उनको प्राउड फील हो कि सर हमारे ऑन चेयर हैं और मेरी सारी समस्याओं का निदान अब सर के चेयर से हो जाने वाली है। देखो टीचर्स, स्टूडेंट्स आर माय टॉप प्रायोरिटी, बिकॉज दे आर द मेन स्टेक होल्डर्स। स्टूडेंट्स है, दैट्स व्हाई टीचर्स है, एंड नॉन टीचिंग स्टाफ्स हैं, ऑफिसर्स भी हैं। सो स्टूडेंट, आप एक ट्रायंगल सोचेगा तो ट्रायंगल का जो टॉप वर्टिक्स है ना, दैट इज द स्टूडेंट्स, हम लोग पिरामिड का टॉप, एंड हम लोग जो है ना एक साइड में टीचर सपोर्ट दे रहा है, एक टीचर में नॉन टीचिंग सपोर्ट दे रहा है, सो वी आर ए क्लोज ट्रायंगल बेसिकली। नाउ द थिंग इज दैट इवन फंड पोजीशन में बोला है कैसा है, आज मैं मतलब सुना है ये फंड पोजीशन इंस्टीट्यूट का अच्छा ही है, इवन इवन आपको बोल रहा है यू कैन, इट इज टेक इट फॉर ग्रांटेड, जे फ्रॉम सेप्टेम्बर 2017 इन NIT मणिपुर I have not got any single paisa in head 35, not a single paisa till I leave because of some other issues. But first 6 months I could not done anything. Yeah. But after that I understand the system. When ladka log ko main bol diya, ab log ko padhai, khela, competition, jidhar mein bhi aap jaye, I will give the money from institute revenue generation. ये आप लोग के लिए है, बिकॉज ये आप लोग का फीस का पैसा, कंसल्टेंसी का पैसा, देन आपको बोल सकता है जो हम लोग टेस्टिंग करता है उसका पैसा,
हम लोग जो किराए देता है उसका पैसा, तो इवन आई एम गेटिंग ओनली 30% ऑफ द फीस बिकॉज मोस्टली दे आर फ्रॉम द ट्राइबल एंड अदर एरियाज. सो व्हेन आई ज्वाइंट आई वॉज गेटिंग 4 crores IRG, बट आफ्टर 2 years इट ड्रॉप्स टू 2 crore. बट स्टिल मैं 5 साल में इवन 1 पैसा नहीं करके जो काम किया है मिनिस्ट्री जानता है. जब मैं टोटल 5 साल में जो किया है, मान लो स्टूडेंट के लिए कुछ एक्स्ट्रा, कुछ पार्टीशन वर्क, ये वो चीज़, मैं 4-5 crore ही खर्चा किया है 5 साल में. तो दैट इज़ वाई मिनिस्ट्री ऑल्सो थॉट दैट समहाउ इन दिस सिचुएशन ही हैज डन एट लीस्ट फॉर द स्टूडेंट्स फर्स्ट, फर्स्ट प्रायोरिटी स्टूडेंट. देन सब मान लो टीचर आ रहा है, वो लोग का तो जो टेबल चेयर एक कंप्यूटर तो देना है. आई हैव गिवन फॉर माय आरजी. कोई स्टाफ आया तो उसको भी तो कुछ देना है. इवन आई हैव नॉट परचेस्ड इन अ सिंगल फर्नीचर फॉर मी, नॉट अ सिंगल फर्नीचर लास्ट 5 साल में फॉर माय रेसिडेंस के लिए. जो पुराना वाला वही मैं यूज करके आ गया. Even there are many difficulties. I do not say all these things, but in that sense, I can say this place is much more resourceful. Yes. मैं जो देखा है, देखो, even many places, I should not tell the names, but the thing is that 100% तो आदमी लोग कभी भी नहीं होता. जी बिल्कुल सर. Even your fingers are not same. Yeah. But the situation is when you close this. They are same. Yeah. You see. जी बहुत सुंदर बात सर, बिल्कुल. When you close this, they are in line. Yeah. When you open it, different. Different. But if it is not different, you cannot close like this. Yes. Understand yes. what yeah, I mean to say? क्या mechanism है, बहुत सुंदर. Exactly. So, I am also take it for granted. Yeah. जिधर में सब आदमी समान नहीं है. जी. किसी को पढ़ाई देखो primary. पढ़ाई तो मैं आई नॉट कॉम्प्रोमाइज पढ़ाई में, बट किसी को रिसर्च कम हो सकता है, किसी को अलग क्वालिटी अच्छा हो सकता है. आई विल ट्राई टू एक्सप्लोर दैट. किसी को इनोवेशन है, किसी को इनोवेशन नहीं है. जी. किसी को स्टार्टअप खुलने का कुछ मदद करेगा, वो कलीवर है. किसी को नहीं है. तो यही मैं बोल रहा है, एज ए लीडर और एज ए टॉप ऑफ द इंस्टीट्यूट, दिस इज माई काम, दिस इज माई वर्क. जी सर. टू फाइंड आउट दैट, सब लोग रिसर्च नहीं करेंगे भाई, अब जो भी बोलो करेगा नहीं. जी. मेरा मैं तो ऑलमोस्ट 91 से 23, मैंने 32 years आई एम इन टीचिंग. मेरा ये 10 institute है, 10th वर्क प्लेस. जी जी. ओके. इवन आई वर्कड इन इंडस्ट्री ऑल्सो फॉर 5 years. जी जी जी. मैं जानता है ये आप 100% एफिशिएंट आदमी सब जगह पे नहीं मिले. जी. 2-4 आदमी कमजोर रहेगा, 2-4 आदमी को काम अदर फॉर्म में आपको कर लेना पड़ेगा. दिस इज योर आर्ट. जी जी. जो करना है उसको आर्ट. जी जी जी. है कि नहीं. तो आई एम वेरी मतलब ग्रास रूट लेवल आदमी है. जी सर. बाद में ही पता चलेगा. जी जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, क्योंकि हम लोग बहुत प्राउड फील कर रहे हैं सर, क्योंकि आपने स्टूडेंट्स के लिए खास करके उतनी सारी प्लान किए कि हमने सबसे फर्स्ट स्टूडेंट, उनकी टीचिंग, उनकी फैसिलिटीज़ और मेरे सारे फंड और बजट जितने हैं सब स्टूडेंट्स के लिए हैं. ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सर ने कहा कि अगर पिरामिड है तो सबसे टॉप पे स्टूडेंट्स हैं. तो स्टूडेंट्स हमारे कितने प्राउड फील कर रहे होंगे इस समाचार को सुनकर और देखकर कि उनकी अब पूरी लाइफ की और करियर की बागडोर ऐसे सूत्रधार सर के साथ है, उनके हाथ में है, जिससे उनकी लाइफ और उनकी करियर बहुत ही सेफ है. और इनका एक ही मोटो है, इंस्टीट्यूट बेस्ट हो, स्टूडेंट्स का करियर अपग्रेड हो, हमारे स्टूडेंट्स पूरी दुनिया में शाइन करें, क्योंकि इन्होंने 3 decades से ज़्यादा टाइम टीचिंग में दिया है और ये हमारे भारत के गौरव हैं, क्योंकि इन्हीं लोगों के ऊपर पूरी भारत के इंस्टीट्यूशंस और हमारे प्राइम मिनिस्टर्स और हमारे स्टेट गवर्नमेंट्स गौरव करती है, क्योंकि इन लोगों ने जो मिसाल कायम किया है आने वाले दिनों में एक बेंचमार्क होगा. नमस्कार, डॉक्टर अनु शर्मा के साथ. एक चीज़. जी सर. मैं लेकिन स्टूडेंट को इनडिसिप्लिन नहीं होना देगा. जी सर.
आई विल बी वेरी टफ इन दैट. सपोज मान लो देर इज ए इन मणिपुर ऑल्सो ए बॉय बिकम द फर्स्ट टोटल ओवरऑल फर्स्ट क्लास फास्ट पांच डिपार्टमेंट से, लेकिन उसका अगेंस्ट में डिसिप्लिनरी एक्शन हुआ था बिकॉज ऑफ रैगिंग. सीनेट में पास किया है, उसको हम लोग गोल्ड मेडल ले दिया है. सो इनडिसिप्लिन तो भाई बर्दाश्त नहीं करूंगा. जी सर ने जैसे कहा कि ये ऐसे कप्तान हैं कि आपको खेलने पर पूरी प्राइज मिलेगी, लेकिन अगर आप इनडिसिप्लिन हैं, अगर संस्था के रूल रेगुलेशंस को आप ब्रेक करते हैं तो पूरी दंड के भागीदार भी होंगे, क्योंकि ये एक स्कॉलर भी हैं, एक टीचर भी हैं और आपकी गार्जियन भी हैं. तो इनके साथ बहुत बड़ा रोल आपके साथ मिला हुआ है. आप कोऑपरेट करें, आप शाइन करेंगे.